एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा भाजपा पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा के शासन में हर वर्ग पीड़ित है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम जनता चुनाव लड़ रही है और मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ 6 दिन बाकी हैं। ऐसे में दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार पीसी शर्मा अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पीसी शर्मा क्षेत्र की गली गली में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान पीसी शर्मा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के शासन में हर वर्ग पीड़ित है, प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, भाजपा केवल घोषणा करती है, उन्हें पूरा कभी नहीं करती। इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम जनता चुनाव लड़ रही है, मध्यप्रदेश में कांग्रेस की जीत तय है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी पीसी शर्मा हमारे साथ है और वो लगातार संपर्क कर रहे हैं। आइए हमसे जानते हैं जी, भाई साहब जनसंपर्क में लगातार हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? समर्थन भरपूर समर्थन, क्योंकि लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, बदलना चाहते हैं सरकार। 18 साल से एक ही सरकार और प्रताड़ित कर रही है हर वर्ग को, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग परेशान। इसलिए ये चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता लड़ रही है, आम जनता, और बीजेपी का कार्यकर्ता शिथिल है। कुल मिलाकर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे वही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मेन मुद्दे ये है। जिस तरह से हम देखते हैं कि प्याज के भाव सातवें आसमान पे, दाल तेल लोग खाने को नहीं मिल रहा है, गेहूँ 2 किलो देते हैं राशन की दुकान, और बेरोजगारी चरम पे, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, व्यापम पटवारी जैसे घोटाले हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं आया अभी तक, क्या कहेंगे? घोषणाएं तो आ गई ना, 22,000 मुख्यमंत्री की पहले ही, जिसमें एक पे भी अमल नहीं हुआ। और घोषणा पत्र लाएंगे तो लिखेंगे क्या, क्या बोलेंगे भाई? 18 साल में नहीं किया तो अब क्या बोलेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ, क्या कहेंगे? हाँ वो देखा सुना है, पैसे बांटो। ये नरेंद्र सिंह तोमर नहीं, ये सभी यही काम कर रहे हैं, या तो ये विधायकों की खरीद फरोख करते हैं या जनता को लालच दे के पैसे दे के वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समझ लें कि पैसे भी ले लेगी जनता, लेकिन वोट तुमको नहीं देगी, वो पंजे की बटन दबाएगी। तो पंजा इस बार आएगा, आपको क्या लगता है? पंजा आएगा, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, भोपाल की 7 सीट जीतेंगे हम। तो ये थे पीसी शर्मा, जिनका कहना है कि वो इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और भोपाल की 7 सीट जीतेंगे। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस, 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।